गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चे हैं जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम किस तरीके से एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की जो लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, या BHU हो गया, जामिया इस्लामिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी 3 महीने बाद में या अप्रोक्सीमेट 3 महीने में कंडक्ट हो जाएंगे। तो आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और कई बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ पे जाके एंड करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, उसी के बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, पूरे बेसिक से। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके दिमाग में है, कोई भी एंट्रेंस इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आपने सोच रखा है तो। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से शुरू करना है, पूरे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर करना है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, शुरू करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे, जो सबसे पहला जो आपको दिमाग में बिठाना है, वो है आपको डिसिप्लिन बना के चलना है। आपके पास में 3 महीने हैं और 3 महीने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा आपकी तैयारी का, वो डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन मतलब, अगर यदि मैं बोलूं तो आपको एकदम अपने टाइम पे पर्टिकुलर होना पड़ेगा। 3 महीने हैं, 3 महीने को मतलब ये मान लो कि आपको तैयारी के लिए पूरी तरीके से झोंक देना है इसमें। ठीक है, और वो तभी करोगे जब आप डिसिप्लिन में आओगे। आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम मुझे निकालना ही है, उस टाइम में मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े उतना टाइम मुझे निकालना है। जैसे मान लो, सपोज करो आप अगर यदि 6 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कीजिए। हर किसी टाइम को अपना पर्टिकुलर टाइम बनाइए और उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपना काम सेट कीजिए। सबसे पहला काम, पढ़ाई का काम सबसे पहले निकालिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने IIT JEE के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, नेट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहला काम डिसिप्लिन बनाना ही बनाना है और फिर उसी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला डिसिप्लिन फॉर्मेशन कीजिए। मतलब डिसिप्लिन का मतलब है टाइम को फॉर्म कीजिए पूरी तरीके से और टाइम के बंधन में बंध जाना है कि मुझे ये 3 महीने की स्ट्रेटजी बिल्कुल इसी के साथ चलना है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करें, किस पे जाके ख़त्म करें। देखो, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको 12वीं की 11th और 12th का बेसिक जो आपको पता है। इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हाईफाई आपसे पूछा जाएगा, बेसिक सी नॉलेज आपकी समझ होनी चाहिए हर टॉपिक पे जो आप 11th और 12th क्लास को पढ़ते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है, 11th और 12th का बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मान लो, सपोज करो हम IIT JEE की प्रिपेयर करते हैं, तो IIT JEE ये कहते हैं आपको डेप्थ में जाके किसी चीज को पढ़ना है, पहला पॉइंट तो वो होता है। लेकिन जितने भी ये एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको इतना कोई गहराई में नहीं, वो आपको बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितनी समझ है। ठीक है, जितनी आपको समझ है उसी के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस मार्क किए जाते हैं। जैसे 11th 12th का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 11th 12th को पढ़िए बहुत अच्छे से, आपकी पकड़ होनी चाहिए। जितने भी 11th 12th के चैप्टर्स हैं उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, वहाँ से बेसिक पार्ट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले उठाओ, और वो टॉपिक आपको उठाना है रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर में क्या खास है, तो इस चैप्टर के बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। रेडॉक्स रिएक्शन में आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो इसी के बेसिस पे आप एन फैक्टर सीखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एन फैक्टर निकालना सिखाएगा,
और बहुत सारी चीज़ें जो जैसे फॉर्मूला मेकिंग है, किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाए, उन सब के बारे में रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोर्शन जो इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन में आपको कई तरीके के टाइट्रेशन पढ़ने पड़ती है। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी, वो सारे का सारा पोर्शन इसमें पूछा जाता है। इसी के बेसिस पे आप पढ़ोगे, इसी के बेसिस पे आप क्लियर करोगे। दूसरा, जब आप रेडॉक्स करो तो फिजिकल का एक टॉपिक टाइट्रेशन के साथ उठा लेना, जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान लो अगर यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री आधी आ गई, आपको आधी फिजिकल केमिस्ट्री आप पे पकड़ बना चुके हो, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो, ठीक है। टाइट्रेशन सारे के सारे क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आप मोल कॉन्सेप्ट जानते हो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बेसिक नॉलेज, आपको ऐसा नहीं है बहुत गहराई में जाना है उसके, नहीं, आपको हर चीज़ की एक समझ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर है। जब आप रेडॉक्स रिएक्शन कर चुके हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको उठाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, हर कंपाउंड का, कैसा भी कंपाउंड हो हाइब्रिडाइजेशन आपको आना चाहिए। बिना देखे कभी भी उठो उसको कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन। और मैं ये कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग इतना आसान टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात केमिकल बॉन्डिंग पे अगर आपने पकड़ बना ली अच्छे से, तो यूँ समझ लो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी चीज़ें सीख ली है। आधी चीज़ें क्यों, क्योंकि आप इसी के अंदर जितने भी कंपाउंड के शेप स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन बनाना सब सीखते हो, इसी में आप MOT सीखते हो, ठीक है, और इसी में आपको लोन पेयर के बारे में, बॉन्ड एंगल्स के बारे में, या कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म करता है, वो सब चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग से ही सीखते हो। बात क्लियर है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग उठाना है दूसरा टॉपिक, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन, शेप स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर रिपल्सन, वो सब चीजें आपको यहां से सीखने को मिलेगा। तीसरा पोर्शन जो आपको इसके बाद उठाना है, जो कि बेसिक नॉलेज देगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज देगा, वो होगा पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आप आयनाइजेशन एंथैल्पीज ट्रेंड पढ़ोगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एटॉमिक रेडियस, लैटिस एनर्जीज, ठीक है, सोल्युबिलिटी, फजान रूल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होते हुए आते हैं, दैट इज फजान रूल, और फजान रूल या फिर पोलराइजेबिलिटी, जिसमें आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो, या सोल्युबिलिटी डिफाइन करना है, आयोनिक कैरेक्टर डिफाइन करना है किसी में, कोवेलेंट कैरेक्टर डिफाइन करना है, एक ऑर्डर पर्टिकुलर डेफिनेटली मिलेगा आपको यहां से, और वो ये कॉन्सेप्ट देगा। ध्यान से पढ़ना है, फजान रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोन हर्बर साइकिल, ठीक है, वो सब चीजें आपको यहीं से सीखने को मिलती हैं, क्लियर है। अब इनके लिए जो मैं बुक आपको प्रीफर करूं, मैं आपको बुक के लिए बोलूं तो ध्यान से सुनना, यहां से आपको केमिकल बॉन्डिंग, जैसे आप BSc के लिए जो आपने पढ़ा है, एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं सत्य प्रकाश, जिसकी बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर यदि आप इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो टॉपिक्स को, तो सत्य प्रकाश नाम की एक बुक आती है, जिसके अंदर से आप इसको प्रीफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो JD ली को भी प्रीफर करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, JD ली, या फिर जेम्स हुई, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इनमें से आप किसी भी एक को, अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो सत्य प्रकाश को फॉलो कर सकते हो। JD ली थोड़ा सा हाई लेवल है, और हुई वो बहुत हाई है। अगर यदि आप हुई की स्टडी कर रहे हो, तो ये समझ लो आप NET JRF के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए पढ़ रहे हो। लेकिन आप 3 महीने के लिए पढ़ रहे हो, तो नोट्स को प्रीफर कीजिए, थोड़े से अपने नोट्स बनाइए, हैंडमेड नोट्स बनाइए हल्के हल्के से, जो आपको लास्ट टाइम में रिविजन में काम आए, और साथ में सत्य प्रकाश बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरा, जैसे हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्रीज हैं,
जो बेसिक केमिस्ट्री है उसके बारे में आप डिस्कस करिए। उसमें आपको पढ़ना इतना कुछ नहीं है, आपको कोई रिएक्शन लिख के नहीं देगा कि इसका प्रोडक्ट बनाइए, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतना कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आपको जैसे ध्यान से सुनना, ब्लॉक्स में पी ब्लॉक में जो आपको मेजर टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में बताएगा, बैक बॉन्ड क्या होता है, बैक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, क्या क्या कंडीशंस है बैक बॉन्ड बनने की। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको बताएगा हाइड्रोलाइसिस, कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा, किस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, ठीक है। सिलिकेट्स के बारे में, क्लैथरेट्स क्या होते हैं उनके बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप नोबल गैस और हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ोगे तो वहां से आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, कैसे बनते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, वो सारा बेसिक है, आपका 11 12th का पोर्शन ही है, ठीक है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइमराइजेशन फॉर्मेशन कैसे होती है, डाइमराइजेशन, क्योंकि डाइमराइजेशन पे आपके कई तरीके के कंपाउंड्स हैं, जैसे आपके पास में हो गया BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, या आपके पास जो जैसे बोराजीन है, बोराजीन के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वो सब चीज़ें यहाँ से देखने हैं, बी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो लास्ट के तीन एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट पेयर दिखाते हैं, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के, उसके बारे में ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से डिस्कस करना उसको, क्लियर है। पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है डी एंड एफ का, दैट इज KMnO4 रिएक्शन एंड K2Cr2O7 रिएक्शंस। ये आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, कौन से क्या कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, वो सब इन्हीं बुक से फॉलो करना, ठीक है। इससे मेजर टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मेजर है, जो सबसे ज़्यादा मेजर टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या खास चीज़ें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो यू लगा लो एक बैकबोन है, कैसे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो हमें नोमेनक्लेचर ही देखने को मिलेगा, नोमेनक्लेचर के बारे में, फिर उसके बाद में आपको देखने VBT, किस तरीके से हम VBT को फॉलो करते हैं, VBT में हाइब्रिडाइजेशन बनती है, शेप्स बनते हैं, आउटर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, इनर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें वो आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको CFT जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CFT में किस तरीके से जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, CFSC वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कलर एंड स्पेक्ट्रा पे आए तो कलर के बारे में भी आपको मेंशन कर देते हैं, कलर बताओ, डिफाइन करो क्या कलर होगा, किस तरीके से हम बनाएं कलर, क्लियर है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिगेंड फील्ड थ्योरी वगैरह उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन हाँ इन पे जरूर पूछे जाते हैं, इनको बड़े ध्यान से देख लें, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम से भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑर्गल डायग्राम भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री OMC, इनके लिए आप जो बुक प्रीफर कीजिए, और साथ में आप बायो इनऑर्गेनिक भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बायो इनऑर्गेनिक, इनके लिए आप जो बुक प्रीफर करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, दैट इज अजय कुमार, आप उनकी बुक को प्रीफर कर सकते हैं, अजय कुमार नाम की बुक है, उसमें आपको ये तीनों टॉपिक देखने को मिलेंगे,
तीन अलग अलग बुक्स हैं, उनके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसान सी लैंग्वेज में इसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक में आपको कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कौन से लीनियर और कौन से नॉन लीनियर टाइप के जो आपके कंपाउंड बनते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कि कार्बोनिल की है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होगी, इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, वो आपको ऑर्डर मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ओएमसी में बायो इनऑर्गेनिक में, बायो इनऑर्गेनिक में जैसे हमारे पास में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, कौन से मेटल्स यूज होते हैं, कौन से नॉन मेटल यूज होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में समझ होनी चाहिए, हर एक के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारे पास पोर्शन है। एक लास्ट जो इसमें छोटा सा पोर्शन जो बसता है वो पोर्शन आपसे पूछा जाएगा एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपको आयंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, आयंस आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई हमारे पास में कैटायन कौन सा प्रेजेंट होगा, कौन से ग्रुप का प्रेजेंट होगा, कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सल्फेट्स, जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो सल्फेट्स और जो नेम पे डिपेंड होते हैं उनमें से क्वालिटेटिव एनालिसिस ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक पोर्शन पढ़ना है और ध्यान से डिस्कस करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्लियर है। इतना तो आपको पढ़ना है, समझ होनी चाहिए इनके बारे में, बेसिक बेसिक चीज़ें, ऐसा नहीं आपको कोई बहुत ज़्यादा गहराई वाली बात पूछेंगे, बेसिक से समझ, बेसिक से क्वेश्चंस इनसे रिलेट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें दूसरे टॉपिक की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको टॉपिक देखने हैं वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने रेडॉक्स में भी बोला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको मोल कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी मोल कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो यूँ समझ लो आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स समझ लिए हैं। जैसे आपको इसके अंदर देखना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, स्टोशियोमेट्री कैसे डिफाइन करें इसके बारे में, और तीसरा जो इसी के बेसिस पे चैप्टर पढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन, जो आपका 12th क्लास का टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन में आपको आई वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनकी समझ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की समझ होनी चाहिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, चार प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर आपको पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ज़्यादा बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, लेकिन इतना भी ध्यान रखना इतनी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं आती है। DU एग्जाम के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रिफर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इतना छोटा भी नहीं आता है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं आता है कि आप, हाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर मिलेगा, तो इनके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में। तीसरा जो मेजर टॉपिक है जो आपको पढ़ना है 12th के बेसिस पे ही, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। किस तरीके से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ई नोट वैल्यू निकालना सीखोगे, और अगर आपने ई नोट वैल्यू निकालनी सीख ली, इस पे पकड़ होनी चाहिए। देखो ध्यान से सुन लेना, इसमें जो गलती होने के चांस है ना, वो गलती होने के चांस है आपको प्लस और माइनस कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन सभी कर सकते हैं लेकिन इसमें प्लस वैल्यू में और माइनस वैल्यू के कैलकुलेशन में आपको डाउट आएगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज होगे, तो इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करना और ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ आ गई तो ई नोट के बेसिस पे आप सेल प्रोडक्शन करना भी आप जानते हो, किस तरीके से सेल प्रोडिक्ट होता है, और जो 12वीं की टॉपिक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 12वीं के टॉपिक्स में सेल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, सेल कैसे फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस में आपको पढ़ना है
कौन कौन से, मतलब किसके अंदर, जैसे मोलर कंडक्टेंस ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, लैम्डा इनफाइनाइट एम, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे दोनों का रिलेशन, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट एम निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इनफाइनाइट एम किस तरीके से कैलकुलेट करें किसी भी कंपाउंड का, आपको कोई कंपाउंड दे देगा उनके आयंस तोड़ देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे फिर कैलकुलेट करवा ले, या फिर आपको किसी भी आयंस के लिए आपको लैम्डा इनफाइनाइट एम निकलवा ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको क्वेश्चन, जिसको हम कोलार्स लॉ बोलते हैं, कोलार्स लॉ, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना है। कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी किस तरीके से आयंस की होती है, जिसको आप ये भी कह सकते हो आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी बनते हैं, या फिर आप फिजिकल में भी उठा सकते हैं इसको, मोबिलिटी आयंस की मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, साइज किसका बड़ा है, साइज किसका छोटा है, जिसका साइज बड़ा है मोबिलिटी कम होगी, साइज छोटा है मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं वहाँ से, किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, क्लियर है। तो ये सब आपको समझ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और इनके लिए जैसे आप अगर यदि इनके लिए बुक प्रीफर करो तो आपके बारहवीं की जो बेसिक चीज़ है वो भी आप बुक प्रीफर कर सकते हो, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक आती है उसको बोलते हैं पूरी शर्मा पठानिया, एक तो बुक आती है पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें क्वेश्चंस कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो समझ वाला है, छोटे छोटे पोर्शन है, समझ मतलब नॉर्मल सा है। और दूसरा एक जो टॉपिक आते हैं बुक आती है जिसको हम बोलते हैं केएल कपूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को फॉलो करके इस बुक के क्वेश्चंस अगर यदि आप सॉल्व करते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केएल कपूर बहुत अच्छी है, इसके पांच वॉल्यूम आते हैं, पांचों के पास अलग अलग हर टॉपिक के कंप्लीट कवरेज है, कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। तीसरा पोर्शन अगर यदि हम डिस्कस करें तो केमिकल काइनेटिक्स, जो कि अपने ही आप में एक बहुत बड़ा और मेजर टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पोर्शन जो डिस्कस किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, वो है रेट, रेट पूछ ले, यूनिट पूछ ले, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी ये आपसे पूछ ले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन तीनों के लिए आपसे रेट डिफाइन करवा ले या कैलकुलेट करवा ले, कोई भी आपको टेबल दे दे और उसके अंदर आपको कैलकुलेट करवा ले कि बताओ इनमें से किसका रेट क्या होगा, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर कैलकुलेट करवा ले इस तरीके से, हाफ लाइफ कैलकुलेट करवा ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के अंदर जो आपसे पूछा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करके, किस किस फैक्टर पर रेट डिपेंड करते हैं, किस तरीके से वेरी करता है, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन थ्योरी, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसके बारे में आपसे पूछ ले, तो उनके बारे में डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इसी के बेसिस पे आपका जो वहाँ पे टॉपिक कोई अलग नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर ही कंक्लूज करवा देंगे, जिसमें फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, बाय फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बेसिस पे किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कहाँ पे जीरो ऑर्डर होता है, जैसे आपको वहाँ पे ग्राफ बनाने को देखते हैं इस तरीके से हम ग्राफ फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पे जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कहाँ पे वन डिग्री होता है, ठीक है, उन सब के बारे में पूछा जाता है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इनके अंदर से आपको पूछा जाएगा, क्लियर है। और मैंने जो आपको जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बोला है वो तो मैंने यही बोला है कि आपको ट्वेल्थ की समझ बहुत ज्यादा होना चाहिए, बारहवीं की बुक्स का समझ बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो इससे आगे अगर यदि हम बढ़े तो एक आता है सॉलिड स्टेट, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो 14 ब्रेवियस क्रिस्टल लैटिस है, जिसके अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत 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 अच्छे से, उसके अंदर आपको किसी भी जगह पे एंगल दे देगा, एंगल्स में वेरिएशन दे दे, साइड्स में वेरिएशन दे दे, ए बी सी के बारे में पूछ ले, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन दे दे, इनका एग्जांपल दे दे, उसकी वो एक टेबल है, उस टेबल को बड़े ध्यान से देख के जाना, बड़े ध्यान से समझ के जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो के बारे में,
और तीसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, रेडियस या एज लेंथ का रिलेशन, ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पढ़नी है। और 12वीं का जो पोर्शन है जिसमें आप पढ़ते हो डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स जिसमें आपको स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट में या फ्रैंकल डिफेक्ट में, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बारी। उसको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी समझ होनी चाहिए आपको, पता होना चाहिए क्या क्या रिलेशन होता है उनमें, कैसे कैसे बढ़ते हैं, पी कंडक्टर कब बनता है, एन कंडक्टर कब बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सॉलिड स्टेट में। बात करें थर्मोडाइनामिक्स की, और थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, दैट इज जो स्क्वेयर है, मैक्सवेल स्क्वेयर, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल स्क्वेयर, जिसको आप स्क्वेयर के टर्म में इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, इसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है थर्मोडायनामिक्स में, साइन कन्वेंशन किसका, डेल्टा जी का, डेल्टा एस का, डेल्टा एच का, डेल्टा यू का, डेल्टा ए, इनके रिलेशन तो यहां से भी और साथ में साइन कन्वेंशंस भी, वो आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जरूरी और ज़रूरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आपको समझ होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में ही, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी यू मान लो कि थर्मोकेमिस्ट्री में है तो हालांकि जोड़ना और घटाना ही, उसमें है कुछ नहीं, जोड़ना है घटाना है बस यही काम करना है, लेकिन वो एंथैल्पीज कैसे जोड़े कैसे घटाए, कितनी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन हो रही है डिवाइड हो रही है, जिसमें आप पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री में है स्लो, वो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए उसकी। क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा और बहुत बार नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत जरूरी है टॉपिक, ठीक है। ये दोनों अगर आपको आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ये आता है और थर्मोकेमिस्ट्री में ये पोर्शन हैस्लो आता है, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे आपको, ठीक है। और सीधा जोड़ घटाए कुछ भी नहीं उसमें। चलिए इसके बाद अगर यदि मैं थोड़ा सा और पोर्शन डिस्कस करूँ, क्वांटम केमिस्ट्री, जो कि डीयू का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और उसमें भी फेवरेट में ऐसा नहीं है आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ना है, नहीं, आपको समझ होनी चाहिए किसकी, आपको पता होना चाहिए 1D बॉक्स क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ते हो, और उसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको आने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जो उसका बेसिक पोर्शन है, सिर्फ क्वांटम का बेसिक, अब मैंने बोला है आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ की समझ होनी चाहिए, बेसिक बेसिक पोर्शन, ठीक है, वो आपको यहाँ से पढ़ना है। क्वांटम केमिस्ट्री ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बस क्वांटम केमिस्ट्री में पूरा टाइम स्पेंड कर दो, नहीं, उसमें आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यदि मैं बात करूँ तो आपका इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में आपके तीनों पोर्शन मेजर है, और तीनों पोर्शन में जो सबसे मेजर है, एक तो केमिकल, और केमिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ली चेटलियर प्रिंसिपल। ली चेटलियर प्रिंसिपल आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है रिएक्शन को, बैकवर्ड में आना है, किस तरीके से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, डिस्टरबेंस कर दे किसी में भी, प्रेशर में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, इनर्ट गैस एडिशन, किसी पे भी ली चेटलियर प्रिंसिपल का डिस्कशन पूछा जा सकता है। दूसरा पोर्शन जो इसका है आयोनिक, जहां पे आप पीएच कैलकुलेट करते हो, पीएच कैलकुलेशन में आपको पीएच कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से पीएच कैलकुलेशन करते हैं, बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट कैसे डालते हैं, ठीक है, एसिड कौन सा अच्छा, बेस कौन सा अच्छा, अरेनियस कॉन्सेप्ट के ब्रोंस्टेड बेस क्या है, लुईस एसिड कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीज़ें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज फेज इक्विलिब्रियम, और फेज के बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, और सबसे बड़ी बात जो आपको सी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए उसमें,
एफ वैल्यू आनी चाहिए आपको, उसमें फेज पता होना चाहिए आपको, H2O का डायग्राम आपको आना चाहिए, उसका बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए फेज इक्विलिब्रियम के लिए, तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करना है तो आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है वो जीओसी है। जीओसी जिसमें आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए, सारे इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसके अंदर आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए कौन कौन से, इंडक्टिव भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, रेजोनेंस, मीजोमरिक, एरोमेटिसिटी, और ये समझ लो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कैसे एरोमेटिसिटी आती है, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट। तीसरा जब हम बात करें इसके अंदर तो इंटरमीडिएट फैक्टर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बोले तो जैसे हम कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायंस की स्टेबिलिटी, कार्बिन्स, नाइट्रिन्स, बेंजाइन्स, इन सभी की स्टेबिलिटी, बेंजाइन की रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी आ गई तो आप एसिडिटी ऑर्डर भी आप बता सकते हो, बेसिसिटी ऑर्डर भी बता सकते हो, इन सबको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। आप ऑर्डर में अरेंज करना सीखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, एसिडिटी ऑर्डर लिखो, बेसिसिटी ऑर्डर लिखो, उनके बेसिस पे। दूसरा जो पोर्शन अगर यदि मैं डिस्कस करूं इसका तो दैट इज रिएजेंट। अगर आपको रिएजेंट्स की समझ है तो आप ऑर्गेनिक के सभी कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कर सकते हो, कंपाउंड से रिएक्शन लिख सकते हो। बारहवीं की समझ में बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बारहवीं की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे लेकिन ज़्यादा आसान पोर्शन भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तीसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपको, अगर यदि ये वाला पोर्शन पढ़ना है तो बुक आती है एसएन सान्याल, एक तो ये भी है एसएन सान्याल एक बुक है, जिसमें आप दूसरा पोर्शन अगर यदि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो पावला ब्रुइस करके बुक आती है, पावला ब्रुइस, जिसमें आपको केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक से और अच्छी समझ होगी, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। और भी थोड़ा और गहराई में समझना है जिसको आप एमएससी में प्रेफर करना या आप जब आगे जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इसकी बाइबल है जिसको हम बोलते हैं क्लेडन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल दैट इज़ क्लेडन, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने वो पढ़ ली है समझ लो बहुत अच्छे से आपने नॉलेज ले ली है। ठीक है, तीसरा पोर्शन अगर यदि मैं डिस्कस करूं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आपसे पूछा जाए या आपको समझ होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पोर्शन यू समझ लो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको आर एस नोमेनक्लेचर निकालना, ई जेड बताना, आर एस बताना, या आपको जितना भी इफेक्ट्स है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रीज डिफाइन करना, वो सब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के पोर्शन से डिस्कस करते हो, काइरल सेंटर पहचानना, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना, वो सब चीजें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री सिखाएगा। ठीक है, आपका जो बारहवीं का टॉपिक है, जैसे मैं पहले बारहवीं के टॉपिक की डिस्कशन करूं, बाय मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, डीएनए, आरएनए, फैट्स, विटामिन्स, वो समझ होनी चाहिए आपको बाय मॉलिक्यूल्स से। दूसरा पोर्शन जो पॉलीमर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसकी भी समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। और जो लास्ट टॉपिक जो इसमें पूछा जाता है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही लेंदी है, लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है
वो सिग्नल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। हाइड्रोजन सिग्नल्स कितने हैं, कितने सिग्नल्स बन रहे हैं उसमें, उस सिग्नल आपको पता होने चाहिए, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए बुक होती है, वो पाविया बुक होती है, जो आपके लिए अगर यदि आपको प्रीफर करना चाहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो आप पाविया बुक को प्रीफर कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, और लास्ट में जब मैं ओवरव्यू दूँ तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है आपके पास में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी बहुत, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर यदि आपको ना भी मिले, नहीं भी मिलते होंगे, नहीं भी मिले हों आपको, तो आप ये दिमाग में ले लो IIT JEE का जो पेपर है उन्हीं के क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, उन्हीं के क्वेश्चंस को आप अप्लाई करके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बना के देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से क्वेश्चंस आपके रिपीटिंग मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीटिंग भी मिलेंगे। आप अलग अलग जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनके एग्ज़ाम्स को उठा के देखिए, उनके एग्जाम्स के पैटर्न को देखिए, उसी का बेसिस सभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चंस नहीं होते, रिपीटिंग क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से तैयारी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, और अब हम शुरू करेंगे एक छोटी छोटी सीरीज़, हर छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उन पे भी हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। जैसे आपको नेम रिएक्शन, जो मैंने आपको नहीं बोला सॉरी, नेम रिएक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस को भी बड़े ध्यान से देख लेना, उनको समझ लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम छोटे छोटे पोर्शंस डिस्कशन करेंगे रिएक्शंस के, तो वो भी हम शुरू करेंगे। जितने भी आपका जो आपका सिलेबस में है 3 महीने में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो मेजर है जो आपको पढ़ने चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से तैयारी करें, किसको लेके बैठे। डिसिप्लिन बनाना जरूरी है, और डिसिप्लिन नहीं बनाओगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये दिमाग में बिठा लो कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, चाहे वैसे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, रेगुलर उतना टाइम तो देना ही देना है, पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। यकीन मानिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।